दोस्तों फाइनल हो चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा अपडेट्स देने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने वक्त किसी तरह कोई गलती करते हैं तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हो जाती है और साथ ही साथ ब्लॉक भी परमानेंट कर दिया जाता है। और ये वीडियो बनाई जा रही है सब्सक्राइबर बेस के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर सवाल किया था भाई इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से अनब्लॉक होगी, तो क्या ये अनब्लॉक हो पाएगी या फिर नहीं, क्या मेथड है, किस तरह से हम यहाँ पर दोबारा लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगी, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें, ये है स्टूक्रेडिट जो कि स्टूडेंट लोगों के लिए लोन एप्लीकेशन ये काम करने वाली है और इसके ऊपर मैंने संपूर्ण वीडियो दोस्तों बनाई थी। कहने का मतलब ये इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था, खाते में लोन लेकर दिखाया था और कैसे लोन को रीपेमेंट करना है इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बनाई थी। यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोन की लिमिट जो मिलेगी दोस्तों 10,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी और यहाँ पर सर्विस चार्ज सिर्फ आपसे करती है, ना कि कोई इंटरेस्ट चार्ज, सिर्फ इनका जो लिमिट आप इस्तेमाल करेंगे उसी का सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्ज लेती है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात यहाँ पर दोस्तों फटाफट पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको इशू बताएंगे कि जब ब्लॉक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्यों ब्लॉक होता है, इसका रीजन भी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन से मेडिकल इमरजेंसी में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल रीजन में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक का ये लोन आपको प्रोवाइड कराती है, एक तरह से कह सकते हैं ये पॉकेट मनी वाला काम यहाँ पर दोस्तों कर रही है, जैसे एम पॉकेट एप्लीकेशन है वैसे आपको यहाँ पर भी आपको लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इनका क्या है, सर्विस चार्ज के ऊपर दोस्तों ये एप्लीकेशन काम करती है, जितना आप लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सर्विस चार्ज आपको मंथली आपको पे आउट करना होगा, उसी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड करके पेमेंट करना होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जब आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन की अप्रूवल मिल जाती है तो सिबिल भी ये हैम्पर करती है अगर इनकी ऑन टाइम रिपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बताया भाई हम क्रेडिट स्कोर चेक भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं ऑल वी क्रेडिट ब्यूरो के अंदर में। चार ब्यूरो कंपनी है और चारों ब्यूरो कंपनी के अंदर में दोस्तों ये रिपोर्ट करती है, ये चीजें याद रखिएगा। हालांकि किसी तरह कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट लोगों के लिए। मैंने दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर शुरू से लेकर अंत तक कैसे लोन अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है कॉलेज स्टूडेंट हैं तो, और कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सपोज कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसके बिहाफ पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये चीज भी मैंने दोस्तों एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों सर्विस चार्ज इस एप्लीकेशन के अंदर में देखना पड़ता है, देना पड़ता है। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके NBFC पार्टनर की बात किया जाए तो क्रियोन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सभी ब्यूरो कंपनी को ये रिपोर्ट करती है, सिविल में रिपोर्ट करती है, चीज याद रखिएगा। यहाँ आपको मिनिमम 30 दिनों का समय मिलता है और मैक्सिमम आपको 60 दिन या फिर 150 दिनों का समय देखने को मिल सकता है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे मिनिमम आपको 1 महीने का समय मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दौर में आपको हो सकता है 1,000 या फिर 500 रुपये से स्टार्टअप करते हैं, उसके बाद जैसे आप ऑन टाइम इनकी रिपेमेंट करेंगे तो सिविल में इंप्रूवमेंट होती है, सिविल जैसे स्कोर बढ़ता है उसी के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कॉलेज के डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको दोस्तों यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हैं हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है या फिर परमानेंट ब्लॉक हो जा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दें, अगर आपको जो भी बताया गया इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि सही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप हम यहाँ पर दोस्तों बताने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बेसिक सा डिटेल जब आप फिलअप करते हैं, इसके बाद जो प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों निकल के आती है KYC डॉक्यूमेंट और उसके बाद कॉलेज का डिटेल, अगर आप यहाँ पर कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर में तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक उस वीडियो को देखिए, पहले समझिए कि उस वीडियो में कैसे मैंने आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है शुरू से लेकर अंत तक, उस वीडियो में सारा चीज कंप्लीट बताया है। अब ऐसे में आप यहां पर सपोज करिए आपसे कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने के लिए और आप अपलोड कर दोगे कोई और डॉक्यूमेंट जो वैलिड भी नहीं है, कॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं या फिर आप खुद से एडिट करके अपलोड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी।
और इसका प्रूफ भी देने वाले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया और गलत सलत यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए और उनकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो गई है। अब वो कहते हैं कि हम किस तरह से अनब्लॉक करा सकते हैं, तो यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, उनको ऑफिशियल मेल करना होगा। यहाँ पर नीचे में दिया गया, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, किसी तरह का कोई रीज़न है, पूछताछ करना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, 1000-2000 रुपए की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। कोई भी ब्याज चार्ज नहीं करती है, लेकिन सर्विस चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सही डिटेल भरें, सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जो भी कॉलेज का डॉक्यूमेंट है वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से फिलअप करते हैं यहाँ पे तो भाई आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाती है और रिजेक्ट तो हो ही जाना तय है। अगर परमानेंट यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक होती है तो ये यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यहाँ से खुद से ओपन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर बकायदा ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा, रीजन बताना होगा, उसके बाद मे बी हो सकता है कि आपका यहाँ पर आईडी अनब्लॉक हो जाए और दोबारा आप लोन के लिए रीअप्लाई कर पाएं। तो ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता दिया, जो प्रोसेस यहाँ पर वैलिड है वही चीज़ बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ये झूठ बात बोलने वाली नहीं है कि ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करा देगी, आपका सारा प्रोसेस यहीं से हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो होगा आपको कस्टमर केयर से सपोर्ट या हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी चीज़ें अनब्लॉक नहीं होती है, रीअप्लाई करने का ऑप्शन अब नहीं आता है। एक तरह से समझिए कि इस एप्लीकेशन का मेन अपडेट्स भी आपको दे ही रहे हैं। लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सही तरीके से डिटेल भरिए, जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है, आपका इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आइडेंटिटी कार्ड पूछे जा रहे हैं तो आइडेंटिटी कार्ड डालें, वो भी वैलिड डालना चाहिए। अगर मार्कशीट पूछे जा रहे हैं तो मार्कशीट आप सही तरीके से डालें जो वैलिड होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा, तभी जाके आपके यहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तो दोस्तों, ये था एस2 क्रिएट एप्लीकेशन का नाम, स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन, जो कि 4.4 के साथ एप्लीकेशन ये रेट करी और राइट साइड में देख सकते हैं 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फोन में हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और कस्टमर का डिटेल यहाँ पर लॉगिन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जब इनकी आईडी ब्लॉक होती है, तो चाहे आपकी आईडी भी ब्लॉक होती है तो किस तरह का देखने को मिलेगा वो भी आंखों के सामने आपको दिखा देते हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एप्लीकेशन फिलहाल इंस्टॉल हो चुका है, वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं स्कैन हो रहा है, स्कैन होते ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ साथ हम यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ हम यहां पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक आरबीआई रजिस्टर्ड अप्रूव है एनबीएफसी फर्म के जरिए से आपको यहां पर लोन मिलता है। यहां पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और नीचे से कंटिन्यू, यहां पर पासवर्ड इंटर करेंगे उसके बाद नीचे से कंटिन्यू। इस तरह से आप देख सकते हैं अकाउंट लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, योर अकाउंट हैज अ टेम्पररी लॉक ड्यू टू इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही रीजन है कि अगर आप इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जिस कारण से आपका अकाउंट ब्लॉक या फिर लॉक हो जाता है, टेम्पररी होता है। आप चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं care@estucreet.com पे आप ईमेल करिए, उनको जानकारी दीजिए, बकायदा अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, सारी डिटेल डालें और उनको बताएं किस कारण से चीज़ें आपने क्या किया है, वो चीज़ें आपको यहां पर लिखना होगा, उसके बाद मेल कर देना होगा। तो चीज़ें इस तरह से आपको फ्लैश होते हुए एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। तो परमानेंट इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं टेम्पोररी लॉक आपका अकाउंट हो जाता है, तो आपको कस्टमर से बातचीत करना ही होगा अनलॉक कराने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।